हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की गोल्डन सीरीज और आज हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हूँ अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन वन अर्जुना अवार्ड, ऑप्शन टू द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन थ्री ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन फोर नॉर्मन बॉरलॉग अवार्ड। तो ये चार ऑप्शन से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो कि खेल कूद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है नॉर्मन बॉरलॉग अवार्ड। अगर इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ये नॉर्मन बॉरलॉग अवार्ड जो है ये बहुत अच्छा, जिनकी रिसर्च होती है एग्रीकल्चर्स एंड एनवायरमेंट के फील्ड में, उनको ही दी जाती है। और बाकी जो है, जिस तरह से आपका अर्जुनो अवार्ड है या फिर ध्यानचंद अवार्ड है, ये सब आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड है। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करें तो वो कोच जो होते हैं, अच्छे कोच जो होते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज इंस्टीट्यूटेड द मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? ऑप्शन हो जाते हैं, पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन टू हो जाते हैं साहित्य एकेडमी, ऑप्शन थ्री भारतीय जनपीठ ट्रस्ट, ऑप्शन फोर भारतीय विद्या भवन। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है भारतीय जनपीठ ट्रस्ट। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय जनपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है, ये जनरली राइटर को दिए जाते हैं जो कि रिलेटेड आपकी लिटरेचर से रिलेटेड है, उनको दी जाती है। आज का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड द तानसेन सम्मान? किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, ऑप्शन थ्री गुजरात, ऑप्शन फोर महाराष्ट्र। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। और अगर इम्पोर्टेंट बात पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो ये जो तानसेन सम्मान है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, उस क्षेत्र में ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंगा प्राइज इज गिवन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कलिंगा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिव राइटिंग, ऑप्शन नंबर फोर साइंस। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है साइंस। कलिंगा पुरस्कार साइंस की क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हिच सिटी इज द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ नोबेल पीस प्राइज हेल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी ओस्लो, ऑप्शन नंबर सी जेनिवा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर
द हग। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ओस्लो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहली भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सर सी वी रमन, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट गिवन अलोंग विद द स्टैट्यूट एंड कमेंडेशन टू ए द्रोणाचार्य अवार्ड विनर। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख और ऑप्शन नंबर 4 1 लाख। क्या इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है 5 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 5 लाख, उसके साथ साथ प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमिट्स द फॉलोइंग ओन द नोबेल प्राइज इन साइंस इन टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दो भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए रूसेल हॉलसे, ऑप्शन नंबर बी डेविड ली, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी पॉल बॉयर। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है मैडम क्यूरी। आज की हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइज मनी गिवन विथ राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी 5 लाख या फिर ऑप्शन नंबर डी 7.5 लाख। क्या है इसका सही जवाब? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 7.5 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि है 7.5 लाख, 7.5 लाख। आज का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन। निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी मेडिसिन। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है मैथमेटिक्स। गणित विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हमारा आज का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लेकर के, वो सब हमने डिस्कस किए थे। और इसके आने वाले वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।